शादीशुदा महिला के पैन कार्ड में पति की जगह पिता का नाम क्यों होता है और बिजली के झटके से इंसान की मौत क्यों हो जाती है। वहीं एरोप्लेन में फ्लाइट मोड ऑन क्यों करना पड़ता है, जानेंगे इस वीडियो में, अंत तक बने रहें। नंबर 1, आपको जानकर हैरानी होगी कि अभिनेता जैकी सन अपनी माँ की पेट में 12 महीने तक रहे थे। नंबर 2, एक्सपायरी दवाई खाने से क्या होता है। अगर कोई एक्सपायर होने के बाद दवाई खाता है तो दवाई से होने वाले फायदा बहुत ज्यादा ही कम हो जाता है, लेकिन जो दवाई के साइड इफेक्ट होते हैं वो बढ़ जाते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि एक्सपायरी दवाई खाने के बाद आपके लिए काफी जहरीली भी बन जाती है। नंबर 3, बिजली के झटके से इंसान की मौत क्यों हो जाती है। दरअसल दोस्तों, इंसान के शरीर में लगभग 70% पानी होता है, और जब इंसान के शरीर को बिजली का झटका या करंट लगता है तो फिर बिजली इंसान के शरीर में उपस्थित पानी को पूरी तरह जला देती है, और पानी के जलने के कारण इंसान का खून गाढ़ा हो जाता है और खून का प्रवाह धीमा हो जाता है, तो इंसान के सारे अंग काम करना बंद कर देते हैं और इंसान की मृत्यु हो जाती है। नंबर 4, शादीशुदा महिला के पैन कार्ड में पति की जगह पिता का नाम क्यों होता है। भारत में एक लड़की के शादी होने के बाद उसकी पहचान बदल जाती है। तमाम सरकारी दस्तावेजों में और पहचान पत्रों में पिता के स्थान पर पति का नाम का दर्जा दिया जाता है, लेकिन पैन कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें शादी के बाद लड़की के पिता का नाम ही प्रदर्शित होता है, क्योंकि पैन कार्ड का फुल फॉर्म परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। परमानेंट का असाइन मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक एक ही अकाउंट नंबर होना चाहिए। भले ही विवाह 7 जन्मों का बंधन हो, परंतु कानून में तलाक की भी व्यवस्था है। मान लीजिए एक औरत के पति की मृत्यु हो जाती है और फिर औरत दूसरी शादी कर लेती है तो उसके पति का नाम बदल जाएगा, जिसके लिए पैन कार्ड को फिर से अपडेट करवाना पड़ता है। इसलिए पैन कार्ड में पिता का नाम को ही स्वीकार किया जाता है, क्योंकि अगर पिता की मृत्यु भी हो जाती है तो उनका रिश्ता वही रहेगा। नंबर 5, दोस्तों आपने सुना होगा कि हवाई यात्रा के दौरान मोबाइल को बंद करने या फ्लाइट मोड में रखने के निर्देश दिए जाते हैं। दरअसल दोस्तों, आपके फोन को फ्लाइट मोड पर इसलिए करवाया जाता है क्योंकि आपका मोबाइल पूरे फ्लाइट को ऑपरेशन को ब्लॉक कर सकता है, क्योंकि जब आप अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड पर रखते हैं तो आपके फोन की सारी डेटा सर्विस डिसेबल हो जाती है। लेकिन यदि आपका मोबाइल फ्लाइट मोड पर नहीं रखा गया तो सिग्नल फ्लाइट सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के सिग्नल को ब्लॉक कर सकता है। वहीं फ्लाइट को लैंडिंग और टेक ऑफ करने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आपके मोबाइल का सिग्नल ऐसे मिलने से रुकावट डालते हैं, जिसकी वजह से पायलट को ट्रैफिक कंट्रोलर से मिलने वाले इंट्रोडक्शन अच्छे से सुनाई नहीं देगा। इसलिए हमेशा फ्लाइट में आपके फोन को फ्लाइट मोड में रखने के लिए कहा जाता है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस तरह का अमेजिंग फुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।